नमस्कार दर्शक, न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में शांतिपुरम चौराहे पर आज सुबह एक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। मौके पर ट्रैफिक अधिकारी ने पहुंचकर पीड़ित को शांत किया और रिपोर्ट पंजीकृत की। कंडक्टर और ट्रैफिक अधिकारी के अनुसार एक बस की रफ्तार में समान ट्रैक पर आने से यह हादसा हुआ, परंतु साथ ही साथ किसी चिन्ह या साइन बोर्ड का न होना भी इस एक्सीडेंट का एक कारण बताया जा रहा है। इसके पूर्व भी यहाँ इसी जगह पर कई एक्सीडेंट होते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी पिछले महीने ही इस डिवाइडर से एक कार टकराई थी। स्थानीय लोग इस जगह पर सुव्यवस्थित चौराहा बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। न्यूज ब्यूरो दर्शक, न्यूज 24 से अमन मिश्र की खास रिपोर्ट। कार का एक्सीडेंट हुआ, ये कैसे हुआ? आप ड्राइवर हैं? नहीं, हम कंडक्टर हैं। कैसे हुआ? हम लोग आ रहे थे ये साइड से, उधर बाएं में बस थी, तो जैसे आप पहुंचे बस वाला एक बैग दहिने आ गया, वही बस बचाने की। अच्छा, इसके पहले एक मारुति का एक्सीडेंट हुआ था, तो लोगों ने बताया कि वो जो डिवाइडर है उससे प्रॉब्लम थी। हाँ, ये डिवाइडर में लगा ही ये गाड़ी। हाँ, पर कोई साइन नहीं। हाँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, ठीक है? ठीक है, दर्शक न्यूज 24 अमन कुमार। ठीक, आपका नाम सर? PSI SK सिंह संतोष कुमार। ओके सर, थैंक यू।